हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना प्यारा सा घर में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी लगभग दोस्तों 1-2 बजता होगा, यानी शाम का समय है। और अभी दोस्तों मौसम आज तो काफ़ी ख़राब है। आप लोग जानबे करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में दोस्तों चक्रवात उठा हुआ था, जो ताना उसी का प्रभाव अभी इधर भी पड़ने लगा है दोस्तों। तो मौसम पूरा एकदम ख़राब है, देखिए पूरा सुबह झमार झिमिर बारिश। हाँ, झमार झिमिर जो बारिश हो रहा था सो हो ही रहा है। और अभी घर में दोस्तों कोई नहीं है, सब मम्मी पापा सब वो आप लोग को बता रहे थे दोस्तों पहले वाली वीडियो में कि मेरा ही एक दादाजी थे, यानी सूरज का दादाजी, लक्ष्मी का दादाजी, वो दोस्तों कल डेड कर गए। काहे कि दोस्तों कल ही डेट कर गई है और उसी डेट के कारण दोस्तों कल वीडियो नहीं बना पाए। और तो आज आप लोग को सूचना दे रहे हैं दोस्तों कि उसका स्नेक बाइट हुआ था और स्नेक बाइट से दोस्तों उनका डेथ हो गया। दोस्तों उन लोग पहले थोड़ा झाड़ फूँक के चक्कर में चले गए दोस्तों, उसके बाद हॉस्पिटल थोड़ा बाद में ले गए, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। लेट होने के कारण दोस्तों हाँ भगवान को प्यारे हो गए दोस्तों, और लेट होने के कारण ही उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों जानबे करते हैं कि आदमी का मतलब इस दुनिया से जाना काफ़ी एकदम दुखी भरा मतलब समय वैसा टाइम में रहता है दोस्तों। तो कल वीडियो वीडियो कुछ नहीं बना पाए थे, तो आज सोचे कि क्यों ना थोड़ा आप लोगों को बता दें। तो दोस्तों तो वो दादाजी काफ़ी मतलब हम लोग के घर आना जाना लगा रहता था, हम लोग भी जाते हैं आते हैं। आप लोग मेरे वीडियो में देखते होंगे कि लक्ष्मी आती है, प्रतिमा आती है, सूरज आता है, चाची सब आती रहती है, एक दादी है वो भी दादी आती है। सिर्फ दादाजी को बहुत कम दिखाए होंगे, कहे कि दादाजी दोस्तों शाम को बैल चराने जाते थे, बकरी सुबह के टाइम में चराने जाते थे, तो उधर ही मतलब बिजी रहते थे, तो मेरा घर थोड़ा कम ही आते थे। दादी बहुत हाँ आते थे। हाँ फिर भी दोस्तों वो दादाजी कौन थे कौन नहीं थोड़ा आप लोग देखिए इस फोटो में। तो फोटो में देखिए दोस्तों, ये मेरे शादी का था। मेरे शादी में दोस्तों जितना भी नेक नियम हुआ था मेरे पापा किए थे, तो साथ साथ में वो दादाजी थे और बता दिए। हाँ सब कुछ बता दे रहे थे दोस्तों और सिखा रहे थे। और दादाजी ही थे कि मेरे दादाजी जो अपना थे वो तो कब का ही गुजर गए, लेकिन उनके बाद वही थे कि हर पूजा नेक नियम कुछ भी विधि हो वो सब में आके एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके एकदम बताते थे। हाँ तो अब वो इस दुनिया में नहीं रहे दोस्तों और गुजर गए, और वो भी दोस्तों ऐसे से गुजर गए कि काफ़ी दुखी हो रहा है, काफ़ी दुख भी लग रहा है। और दोस्तों सभी आदमी सब पूरा दुख में भी हैं। और कल वीडियो नहीं बनाने का रीज़न यही था दोस्तों कि हम लोगों को कुछ बुझा नहीं रहा था कि आखिर क्या करेंगे, है ना। तो वही है दोस्तों कि उनका अंतिम संस्कार करने में ही हम लोग सब कोई बिजी थे, और ऐसे में वीडियो बनाना थोड़ा ठीक नहीं था दोस्तों। दुख जब मन में हो जाता है ना दोस्तों, दुखी मन में हो जाता है तो ऐसा कुछ बनाना तो मत मन नहीं करता है। हाँ बाकी मेरे फुआ सब भी आए थे, फूफा भी आए थे। बाकी सभी कोई आए हुए थे और चले गए। और कल तीन कर्मा है दोस्तों, कल भी उनका जो है नेक नियम वो सब करना पड़ेगा। बाकी अब दिवाली भी आने वाला है, छठ भी आने वाला है, तो आप देखते हैं 10 कर्मा कब है। और एक दादाजी देखिए उधर हल्ला कर रहे हैं दोस्तों, क्या तभी आवाज़ दे रहे हैं दोस्तों पता नहीं। तो ये दोस्तों दिवाली भी अब हम लोग का नज़दीक है, और उनका जो 10 कर्मा होगा दिवाली के बाद जाता है, तब पता नहीं 10 कर्मा दिवाली से पहले करेंगे कि बाद में करेंगे, वो सब आप लोग को बताएंगे दोस्तों। तो चलिए बाकी आज तो कुछ ऐसा ब्लॉग नहीं बना रहे हैं, बाकी यही सूचना देना था दोस्तों आप लोग को बता दे रहे हैं कि हम लोग के घर में परिवार में ऐसा दुख काहे आते रहता है पता नहीं, और ऐसा ऐसा अचानक होता है ना दोस्तों काफ़ी एकदम दुख दुख लगता है। हाँ वो भी कोई उम्र नहीं था दोस्तों, वही लगभग 45-50 के एज में होंगे, तो ऐसा एज में चलता फिरता आदमी अचानक अगर ख़राब होता ना तो फिर नहीं बचा पाए, तो अचानक से वैसा हो गया। हाँ चलते बोलते में हो गया। हाँ दोस्तों
और ऐसा होने का कारण था दोस्तों, और स्नेक बाइट यानी सांप काट लिया था। और काटने का था दोस्तों कि घर में नहीं काटा था, बकरी चराने के लिए गए थे जंगल, और जंगल के ही किनारे एक शकरकंद का बारी था, और वही बारी में दोस्तों सांप ने दस लिया, और दादाजी को पता भी नहीं चला। पता चला कि किसी ने काटा है, जब वो चारों तरफ पूरा देखे तो सांप नज़र नहीं आया, और वो भी नहीं देखे कि कौन सा सांप है पता नहीं, तो सांप भी नहीं देखे। और बाद में आए घर, घर में बताए कि ऐसे ऐसे है, पैर में दर्द करने लगा है, तो तुरंत ही एकदम ले गए थे। आप लोगों को बताए भी थे कि हॉस्पिटल ले गए कि कहाँ, तो चाचा जी उन लोग थे कि दौड़ा दौड़ी में दोस्तों गाँव देहात में जानवे करते हैं, थोड़ा मतलब मानसिकता थोड़ा उतना नहीं है, तो झाड़ फूँक में चले गए, और झाड़ फूँक के बाद गए थे दोस्तों हॉस्पिटल। हाँ, तो ऐसे ही दोस्तों ये घटना हो गई और ऐसा हो गया। तो बाकी दोस्तों हम लोग के भी साथ देखे कि कितना बड़ा दुख हो गया। हाँ, तो उनका भी दोस्तों अचानक ऐसा हुआ, हम लोग के साथ भी अचानक खुशी ऐसे हम लोग को छोड़ के चली गई। तो ये सब दोस्तों काफ़ी एकदम दिल को दुखी करता है दोस्तों, और जानबे करते हैं कि परिवार में एक आदमी को नहीं होना कितना एकदम दुख होता है। तो चलिए दोस्तों, बाकी और कुछ नहीं, जो थोड़ा बहुत देखिए दोस्तों मेरे शादी में दादाजी कैसे नए नियम कर रहे थे। आप लोग देखिए दोस्तों, यही दादाजी थे जो आज इस दुनिया में नहीं रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं, और फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।